दोस्तों, हम अपने इस एपिसोड में रामायण की उस घटना पर चर्चा करेंगे जो भगवान श्री राम के वनवास जाते समय घटित हुई थी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था, और यह भी आप लोग जानते ही हैं कि उनके साथ उनकी पत्नी देवी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भी वन चले आए थे। भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण जी ने अपने सारे राजसी वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर दिया था और साधारण से सन्यासी की भांति वन की ओर प्रस्थान किया था। दोस्तों, यदि ये बात सत्य है तो भगवान श्री राम को अपनी नाव से जिस केवट ने नदी पार कराई थी, उस केवट को उतराई देने के लिए सीता जी के पास अंगूठी कहां से आ गई थी? क्योंकि देवी सीता तो अपने सभी आभूषणों का त्याग कराई थी, तो क्या वह अंगूठी उनके साथ भूलवश चली आई थी, या फिर वह कोई रहस्यमयी या दैवीय अंगूठी थी? दोस्तों, भगवान श्री राम के वनवास से हजारों वर्ष पहले की बात है कि एक बार पाताल लोक में शेषनाग के साथ कई देवगण और ऋषि मुनि आदि बैठे कुछ मंत्रणा कर रहे थे। उसी मंत्रणा में किसी बात पर सभी लोग हंस पड़े थे। उन सभी लोगों के साथ भगवान शेषनाग भी हंस पड़े थे, जिसके कारण उनके फन पर धारण पृथ्वी हिलने लगी थी। ऐसे समय में महर्षि अष्टावक्र ने अपने हाथों से पृथ्वी को पकड़कर उसे हिलने से रोक लिया था। यदि महर्षि अष्टावक्र ऐसा ना करते तो पृथ्वी पर प्रलयकारी भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो जाती। इसलिए महर्षि अष्टावक्र के इस उपकार से भगवान शेषनाग बड़े ही प्रसन्न हुए थे। तब उन्होंने अष्टावक्र जी का आभार प्रकट करने के साथ साथ उन्हें एक अमूल्य अंगूठी उपहार स्वरूप दी थी, और उसके साथ साथ उन्हें यह निर्देश भी दिया था कि वह कभी भी इस अंगूठी को अपनी उंगली से ना उतारे। यदि भूलवश या किसी कारणवश वह अंगूठी उनकी उंगली से उतर जाए तो पुनः वह उस अंगूठी को कदापि धारण ना करे। दोस्तों, महर्षि अष्टावक्र के शिष्य थे राजा अज, जो कि राजा दशरथ जी के पिता थे। अष्टावक्र एक बार राजा अज से बहुत प्रसन्न हुए तो उन्होंने वह अनमोल अंगूठी उन्हें उपहार स्वरूप दे दी थी, और साथ ही उन्हें यह निर्देश भी दिया था कि इसे कभी भी अपनी उंगली से मत उतारना। राजा अज ने अपने गुरु अष्टावक्र की आज्ञा का पालन किया था तथा अंत समय तक उस अंगूठी को अपनी उंगली से नहीं उतारा था। परंतु अपने जीवन के अंत समय पर उन्होंने अपनी इस अंगूठी को अपने पुत्र राजा दशरथ को दे दी थी, और साथ ही उन्हें यह निर्देश दे दिया था कि वह कभी भी इस अंगूठी को अपनी उंगली से ना उतारे। यदि भूलवश या किसी कारणवश यह अंगूठी उनकी उंगली से उतर जाए तो पुनः उसे धारण ना करें। दोस्तों, पिता की दी हुई अंगूठी को राजा दशरथ कभी भी अपनी उंगली से नहीं उतारते थे। परंतु एक दिन जब राजा दशरथ अपने सभी राजसी वस्त्र और आभूषण उतार कर भोजन कर रहे थे, तब महारानी कौशल्या ने उनसे कहा कि आज पहली बार आपकी पुत्र वधू सीता ने यह भोजन बनाया है, और आप अपने पुत्र वधू को कोई नेक दिए बगैर ही भोजन करने लगे। कौशल्या की बात सुनकर राजा दशरथ बड़े ही धर्म संकट में पड़ जाते हैं, क्योंकि वह भोजन करते समय उठ भी नहीं सकते थे और पुत्र वधू को नेक दिए बगैर भोजन भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने उस अंगूठी को अपनी उंगली से उतार कर नेक स्वरूप सीता जी को दे दिया था, और यह निर्देश भी दिया था कि जब तक कोई धर्म संकट ना पड़े तब तक इस अंगूठी को अपनी उंगली से मत उतारना, और यदि कभी इसे उतारना पड़ जाए तो पुनः इसे कभी धारण मत करना। दोस्तों, इसी कारण देवी सीता ने वन में जाने से पहले अपने सभी आभूषणों का त्याग कर दिया था,
परंतु अपने इस अंगूठी को उंगली से नहीं निकाला था। जब उन्होंने देखा कि उनके पति भगवान श्री राम के पास केवट को उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है, तब उनके सामने एक धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तब उन्होंने केवट को उतराई देने के लिए अपने उस अंगूठी को उतार कर भगवान श्री राम को दे दिया था। दोस्तों, यह तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि केवट ने उतराई लेने के लिए मना कर दिया था। तब माता सीता की उस अंगूठी को भगवान श्री राम ने अपनी उंगली में पहन लिया था, क्योंकि सीता जी तो नियम के अनुसार उस अंगूठी को पुनः धारण नहीं कर सकती थी। दोस्तों, वनवास के समय जब लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब माता सीता की खोज में जा रहे पवन पुत्र श्री हनुमान जी को भगवान श्री राम ने यही अंगूठी अपनी उंगली से उतार कर दी थी, जिससे कि देवी सीता को यह विश्वास हो सके कि हनुमान जी श्री राम जी के भेजे हुए दूत हैं।